आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, जिससे आप अपनी कैलकुलेशंस को और भी फास्ट कर सकते हो। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर वन, इसमें अगर आपको किसी भी टू डिजिट के नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें एक कंडीशन है, आपका जो ऊपर वाला नंबर है, जो टू डिजिट वाला ऊपर वाला नंबर है, जैसे यहाँ पर है 42, तो उसका सम ऑफ द डिजिट्स 10 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर है 4 और 2, तो 4 प्लस 2 कितना होता है 6, और 6 तो 10 से कम है। तो ये ट्रिक इस जो हमारी कैलकुलेशन इस सम पे काम करेगी। तो चलो अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमारा जो वंस प्लेस का ऊपर वाला नंबर है इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हमारा वंस प्लेस हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 6 को हम बीच में लिखेंगे और हमारे इस वाले नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे और ये आ गया हमारा आंसर जो कि है 462। तो इस ट्रिक को यूज कर आप बहुत इजीली अपनी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हो, जहां आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाला नंबर का सम जो है डिजिट्स का वो 10 से कम है। ट्रिक नंबर टू, तो यहां पर आपको 3 डिजिट के दो नंबर दिए और बीच में दोनों नंबर्स के बीच में यानी कि 10th प्लेस पर 0 है, तो यहाँ पर है 402 मल्टीप्लाइड बाय 706। तो अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि 3 डिजिट के नंबर है और 10th प्लेस पर दोनों ही नंबर्स में 0 है, तो उसे आप किस तरीके से सॉल्व करोगे ये जान लेते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारा जो वंस प्लेस है दोनों में, उन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। तो 2 6 कितना होता है 12, तो हम 12 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अब हम इस तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर अब हम 4 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे हंड्रेड्स प्लेस पे नंबर है, तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। तो 4 7 कितना होता है 4 7 होता है 28। इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 और 6 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 कितना होता है 4 6 होता है 24। इसके बाद अब हम इन दोनों को भी छोड़ देंगे, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 2 कितना होता है 7 2 होता है 14। तो यहाँ पर हम 14 अलग से लिख देंगे एंड इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो 4 प्लस 4 कितना होता है 8 और 2 प्लस 1 कितना होता है 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है 38 एंड इस 38 को हम बीच में यहाँ पर लिख देंगे और ये आ गया हमारा आंसर जो कि है 2,83,812। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सॉल्व करते हो उस नंबर को जो कि 3 डिजिट का नंबर है और बीच में यानी कि 10th प्लेस पर दोनों के ही 0 है। ट्रिक नंबर 3, तो अगर आपको दो ऐसे नंबर दिए जाते हैं जो कि 2 डिजिट के हैं और जिनके 10th प्लेस पर दोनों में ही 1 है, तो उसे आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप है, हमें यहाँ पर 10th प्लेस को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होता है 1। इसके बाद अब हम आ जाते हैं वंस प्लेस पर, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सेकेंड स्टेप क्या है, 7 और 8 है यहाँ पर, तो मैं इन दोनों को सबसे पहले क्या करना है एडिशन करना है पहले। तो 7 प्लस 8 कितना होता है 15, यहाँ पर आ गया हमारे पास 15। इसके बाद अब हम वंस प्लेस में ही रहेंगे और अब हम 7 और 8 को जो हमारे वंस प्लेस का प्लेस के नंबर्स हैं उन्हें हमें क्या करना है, उन्हें अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 8, 7 8 कितना होता है 56। ये आपको ज़रूर याद रखना है कि पहले एडिशन होगा फिर हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये हो गया, ये तीनों चीज़ें हमें कर लेनी है। इसके बाद हमें इन तीनों को ऐड करना है, वो भी एक नए तरीके से। हमें कैसे करना है, सबसे पहले है 1, हमें 1 लिखना है।
इसके बाद है 15, तो हमें 15 इस तरफ से लिखना है। तो ये हमने 15 लिख दिया। अब है हमारे पास 56, तो हम यहाँ से लिखेंगे इस तरीके से, हमें इसे ऐड करना है। तो यहाँ पर है 6, फिर 5 + 5 = 10, 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 चला जाएगा कैरी, इसके बाद 1 + 1 + 1 = 3। तो यहाँ पर आ गया है 306 और यही है हमारा आंसर। ट्रिक नंबर 4, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 81 × 31। तो अगर आपको भी एक ऐसा नंबर दिया गया है जहाँ पर दोनों ही नंबर्स जो है 2 digit के हैं और दोनों ही नंबर्स के वंस प्लेस पर 1 आ रहा है, तो हमें क्या करना है? तो सबसे पहले स्टेप 1 है, हमें क्या करना है, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 1, तो हम यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। ये है हमारा स्टेप नंबर 1। इसके बाद स्टेप नंबर 2, यहाँ पर हमें टेंस प्लेस के नंबर्स को ऐड करना है। तो 8 + 3 कितना होता है, 8 + 3 होता है 11, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और 1 चला जाएगा यहाँ पर कैरी टेंस प्लेस पर। अब हम क्या करेंगे, हम टेंस प्लेस के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये है हमारा स्टेप नंबर 3। तो 8 × 3 = कितना होता है, 8 × 3 = होता है 24, और 1 हमारा कैरी था, तो 24 + 1 = 25, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 और ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हो उन सम्स को जो कि नंबर्स 2 जो है डिजिट के होते हैं और वंस प्लेस पर दोनों ही नंबर्स के 1 आ रहा होता है, तो उन्हें मल्टीप्लाई आप इस तरीके से करते हो। ट्रिक नंबर 5, तो अगर आपको ऐसा नंबर दिया गया है जिसके सारे डिजिट्स इवन नंबर है और उस नंबर को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर वाला नंबर कितने भी डिजिट का हो सकता है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है हमें इस नंबर को हाफ कर यहाँ पर लिख देना है। तो 6 का हाफ होगा 3, 2 का हाफ होगा 1, 8 का हाफ होगा 4 और 6 का हाफ होगा 3। इसके बाद स्टेप नंबर 2 है, हमें यहाँ पर एक 0 ऐड कर देना है और ये आ गया हमारा आंसर। ट्रिक नंबर 6, तो अगर आपके पास 2 digit के ऐसे नंबर्स हैं जो कि यहाँ पर टेंस प्लेस के नंबर्स जो है सेम होने चाहिए और हमारे जो वंस प्लेस के नंबर्स हैं उन दोनों को ऐड करने पर 10 आना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास है 57 × 53, तो यहाँ पर जो हमारा टेंस प्लेस के नंबर्स है वो सेम है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और जो हमारे वंस प्लेस के नंबर्स है उन्हें ऐड करने पर 7 + 3 = 10 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है हमें टेंस प्लेस के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जो भी सेम है। तो 5 × 5 क्या होता है, 25, और कौन सा नंबर सेम है, सेम जो है यहाँ पर 5 सेम है, तो हम इसमें 5 ही ऐड कर देंगे। तो 25 + 5 क्या होता है, 30, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे जो कि है 30। इसके बाद अब हम आते हैं वंस प्लेस पर, तो यहाँ पर 7 × 3 हम यहाँ पर करेंगे, वंस प्लेस के नंबर्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 1 में तो हमें टेंस प्लेस के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना और जो नंबर सेम है उसमें वही ऐड कर देना और यहाँ पर लिख देना है। सेकेंड स्टेप में हमें वंस प्लेस के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 × 3 = होता है 21, तो हम यहाँ पर लिख देंगे और हमारा आंसर आ चुका है 3021। अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त, जिसमें हमने 6 शॉर्ट ट्रिक्स जानी मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।